नमस्कार, एक खास मुलाकात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तरिपरी के उप प्रधान राकेश नासरा जी, जो कि इस बार नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं। तो आइए हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे। नमस्कार नासरा जी। नमस्कार। नासरा जी, सबसे पहले हम आपसे आपके राजनीतिक जीवन के बारे में जानना चाहेंगे कि आप आज कैसे यहाँ तक पहुँचे, क्या सफर कैसा रहा आपका, क्या क्या आपने किया? हमारा जो परिवार है नासरा परिवार, टकसाली कांग्रेसी परिवार है। मेरे दादाजी की लगभग 70 साल की सेवा हुई कांग्रेस में, और 80 के दशक में वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी त्रिपुरी के प्रधान रहे हैं। और उसके बाद मेरे फादर साहब श्री बलदेव राय नासरा जी पीपीसी के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, और उनके डेथ के बाद मैं लगभग 15 साल से श्री ब्रह्मेंद्र जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और त्रिपुरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो नासरा जी, आप अपने आप सामाजिक योगदान के बारे में आप बताइए कि आप लोगों से किस तरीके से जुड़े हुए हैं, समाज में क्या आपका योगदान है? सामाजिक सेवा में जी, हमारा बसंत ऋतु यूथ क्लब है, उसमें मैं मेंबर हूँ, और हम हर महीने लगभग 35 विडो लेडीज को राशन बांटते हैं। और जैसे सर्दियों में एलिमेंट्री स्कूल है, गाँव में जाकर उनको फ्री जर्सीज देते हैं, और स्टेशनरी वगैरह हो गई, गर्मी में शर्ट्स वगैरह हो गए, ये हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो और क्या, लोगों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि किसी का राशन कार्ड की समस्या है, किसी को वोटर कार्ड की समस्या है, क्या कभी आप कांग्रेस के नेता भी हैं, क्या कभी इन कामों को लेकर भी लोग आपके पास आते हैं? आते हैं जी। तो जब कैंप लगता है तो उसमें उसको शोध करवा देते हैं, किसी का नाम गलत या करेक्शन वगैरह करानी होती है तो उसमें करवा देते हैं। तो आप वार्ड नंबर 6 से प्रत्याशी हैं। हाँ जी। तो आप अपने, यदि आप चुनाव जीत जाते हैं और यहाँ से पार्षद बन जाते हैं, तो आपके अपने वार्ड के लिए क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? मेरे वार्ड के लिए जी, एक तो सड़कों का मेन काम है जी, 3-4 सड़कें पेंडिंग है। सबसे मेरा पहला काम होगा वो सड़कें बनवाई जाएंगी, और कुछ प्रॉब्लम स्ट्रीट लाइट की भी है उसको दूर करवाऊंगा, पीने के पानी की है उसको भी दूर करवाऊंगा। और सरकार का जो आगे प्लान है वो है कनाल बेस्ड वाटर का है, और लगभग जो ट्यूबवेल वगैरह है सब बंद हो जाएंगे, सीधा डायरेक्ट पानी सप्लाई नहर से आएगा कनाल वेस्ट का, और वहां से ट्रीटमेंट होकर सप्लाई होगा सारा जी। आपके वार्ड में स्वच्छता को लेकर आप कितने जागरूक हैं, आपने कैसा सर्वे किया और क्या योजना है आपकी स्वच्छ अपने वार्ड को करने के लिए? वार्ड में सफाई की कोई कमी नहीं है, पक्की 2 ट्रॉली लगी हुई है हमारे वार्ड में, सुबह शाम कूड़ा उठा के ले जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई हुई तो सबसे पहले मैं ये काम करूंगा, जो स्वच्छ अभियान है उसको पूरा चलाएंगे जी। पटियाला 2 से विधायक एवं मंत्री ब्रह्म महेंद्र जी के कार्यशैली के बारे में आपका क्या कहना है, किस तरीके से कार्य कर रहे हो? उनकी कार्यशैली से बहुत खुश हूँ मैं, तो हमारे त्रिपुरी के जो अब 3-4 रोड्स बनी है उनकी कृपा से ही बनी है, और लगभग 10 साल के बाद बनी है। और हमारी जो त्रिपुरी की मेन रोड है वहाँ पे LED लाइट्स भी लगी है, आगे प्रपोजल है मेन बाजार में भी लगनी है, लगभग सभी चेंज हो जाएगी, ट्यूब जो पुरानी लगी पड़ी है सब उतर जाएंगी और LED लाइट लगेंगी पूरी त्रिपुरी में। तो ये ब्रह्म महेंद्र जी के बारे में बताइए कि ये किस टाइप के नेता हैं, जनता से मिलते कैसे हैं, कैसे सहयोग करते हैं आप लोगों को और कैसे समस्याएं सुनते हैं, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। बहुत बढ़िया मेल जोल है उनका जनता के साथ जी, कभी कोई हमको दिक्कत होती है तो हमको जैसे हर सैटरडे संडे या कोठी में होते हैं, उनसे जो हमारी समस्या है वहाँ लेके चले जाते हैं, और हमारी समस्या को बहुत गौर से सुनते हैं और जल्द से जल्द उसको दूर करने की कोशिश करते हैं जी। एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कुछ अकाली दल के नेताओं को हमने ये कहते सुना कि मौजूदा सरकार धक्केशाही कर रही है। आज हम अभी सेक्रेटरिएट में थे, वहां पर भी अकाली दल के लीडर और आम आदमी पार्टी को कुछ नेता और कुछ कार्यकर्ता सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे थे कि इन्होंने घोटाला किया है नॉमिनेशन के अंदर, नॉमिनेशन फॉर्म्स के अंदर घोटाला किया है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखो, कोई घोटाला नहीं किया जी, अब देखो किसी ने फॉर्म भरना है, अगर फॉर्म में गलती है, मिस्टेक है, उसके सरकार का भी कसूर नहीं है। अगर फॉर्म अपना ध्यान से भरे, देखो उसका फॉर्म निगलेक्ट हो गया, उसमें सरकार का कोई कसूर नहीं है। तो जिसने प्रत्याशी ने अपना फॉर्म भरा है अच्छी तरीके से भरता, निगलेक्ट ना होता। अच्छा, एक और आपसे बात पूछना चाहेंगे कि आप अपने जिस क्षेत्र की आप नुमाइंदगी करते हैं वार्ड नंबर 6 की, हाँ जी, नशे को लेकर आप कितना जागरूक हैं और कितना संवेदनशील हैं, आप क्या समझते हैं कि इन 8 महीने 10 महीने की सरकार में जो कांग्रेस की है, क्या आपके एरिया में नशा कंट्रोल हुआ? नहीं, हमारे एरिया में नशा पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है बिल्कुल, यहाँ में कभी दिक्कत नहीं है नशे की, कोई नशा नहीं है हमारा।
मौजूदा सरकार की कार्यशैली के बारे में आप बताइए कि क्योंकि हम अकाली दल की सरकार में कहते थे कि धक्केशाही की सरकार है, पुलिस वालों ने लूट खसोट मचा रखी है, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो इन 10-10 महीने आपकी सरकार को हो गए हैं, आप क्या समझते हैं कि कैसे कार्य करें? देखो सरकार मेरे को 10 महीने हुए हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा, जो कुछ मतलब सरकार का खजाना बिल्कुल अकाली गवर्नमेंट थी, बिल्कुल खजाना खाली था गवर्नमेंट का बिल्कुल ही, अब उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा, और जो गवर्नमेंट ने नौकरी का जो वादा किया था देने का वो भी प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं क्षेत्र में? जनता को मैं संदेश देना ये देना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार है हमारी पंजाब में, और जो प्रत्याशी हैं कॉरपोरेशन में वो भी कांग्रेस के होने चाहिए, ये जो आपका पेंडिंग काम है वो पहल के आधार पे होगा। मेरा ये संदेश है, जो हमारी कांग्रेस पार्टी है जनहितैषी पार्टी है, सभी को साथ लेकर चलती है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती, और मैं सभी को अपनी तरफ से अनुरोध करता हूँ कि जो भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं पूरे पटियाला में सभी उनको वोट डालें, ताकि भी जो पूरे पटियाला का विकास है सब एक समान रूप से हो सके, यही मेरी सबसे प्रार्थना है। धन्यवाद आचार्य।